हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा और आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट। और इस चीज को पढ़ने से पहले आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के कंटेंट आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट जो होता है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम उसको एक कॉमन रूप में देखें तो वो भारत में उसको बहुत ही अट्रैक्टिव ऑर्गन माना जाता है प्लांट के लिए। लेकिन अगर उसको हम एक बॉटनिकल साइंटिस्ट के लैंग्वेज में देखें तो वो प्लांट का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि उसके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग फ्लावर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट्स होता है उसका जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मायेदल पुंज और इंग्लिश में आप उसको क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। जो कि उसके जब वो फ्लावर जो होता है बर्ड के रूप में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। सेकेंड पार्ट होता है उसका कोरोला जिसको दलपुंज बोलते हैं और ये कलरफुल होते हैं, अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर के हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं जो कि इंसेक्ट को की अटैक करने का काम करते हैं। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट ये होता है उसका मेल ऑर्गन। तो मेल ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, वुमन, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, एंड्रूसियम, ठीक है। और फोर्थ पार्ट होता है उसका फीमेल पार्ट जिसको बोलते हैं गायनोसियम और हिंदी में बोलते हैं जायफल। तो ये चार मेन पार्ट होते हैं जो फ्लावर में रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो हम फ्लावर के पार्ट्स के बारे में जैसे देख रहे थे तो ये है सेपल जिसको हमने कैलिक्स बताया, और ये बायदल पुंज होता है जो बर्ड के समय में इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ग्रीन कलर का होता है। सेकंड पार्ट हमने ये बताया था पेटल जिसको कोरोला भी बोला जाता है, ये कलरफुल पार्ट होते हैं जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। थर्ड पार्ट होता है मेल ऑर्गन, मेल ऑर्गन को हम एंड्रोसियम या फिर स्टेमन भी बोलते हैं। और फोर्थ पार्ट होता है गायनोसियम, और ये जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। तो ये फ्लावर के पार्ट्स थे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। आगे कौन से होते हैं, तो मेनली तो सबसे पहले हम लोग मेल पार्ट को देखेंगे कि मेल पार्ट में भी कौन कौन से इसके ऑर्गन होते हैं। तो मेल पार्ट में जैसा आप देख रहे हैं कि इसका जो ये लंबा पार्ट है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, और फिलामेंट के जस्ट ऊपर में इसमें लोब पाए जाते हैं, और ये लोब जो होता है वो एंथर होता है, और इसी एंथर में परागकण या फिर पॉलन ग्रेन्स भरे हुए रहते हैं। एंथर और फिलामेंट का जहाँ पे जॉइंट होता है उसको हम कनेक्टिव बोलते हैं। तो ये एंड्रोशियम हुआ। नेक्स्ट पार्ट है कार्पल जो कि फीमेल पार्ट है, इसमें भी इसके तीन पार्ट हैं। सबसे ऊपर जो पार्ट होता है उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं या फिर ये स्टिक होते हैं। सेकंड इसका नेक की तरह का जो पार्ट होता है जो लंबा होता है इसको स्टाइल बोलते हैं, और हिंदी में से वर्तिकाग्र बोलते हैं। और जो लास्ट पार्ट होता है नीचे का फूला हुआ वो है ओवरी या अंडाशय, जहाँ पे जो एग होता है वो प्रेजेंट होता है। तो ये इसके एंड्रोशियम और कार्पल जो कि मेल एंड फीमेल पार्ट है इसके बारे में हमने जान लिया। अब हम इसके स्टेज के बारे में देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेज होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टेज देख रहे थे कि कौन कौन से स्टेज होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फोर स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज है गैमेटोजेनेसिस जिसको युग्मक जनन बोला जाता है। सेकेंड स्टेज है पॉलिनेशन या परागण। थर्ड स्टेज है फर्टिलाइजेशन जिसको हम निषेचन बोलते हैं, और लास्ट स्टेज है एम्ब्रियोजेनेसिस जिसको हम उद्भवन बोलते हैं। तो हम लोग फर्स्ट स्टेज के बारे में जानेंगे कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक जनन, मतलब गैमिट बनने की प्रक्रिया, युग्मक के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम युग्मक जनन कहते हैं। सेकेंड स्टेज जो हम लोग देखें परागण, परागण में होता ये है कि जो परागकण है वो परागकण एंथर से निकल करके वर्टिकाग्र तक पहुँचने का जो प्रक्रिया होता है उसको परागण बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन जो थर्ड स्टेज है उसमें जो मादा जननांग है जिससे जिसमें एग है, और जो नर जननांग है जिसमें परागकण है, तो इन दोनों के मतलब मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों के मिलने की जो प्रक्रिया होती है वो
निषेचन कहलाती है। युग्मकोद्भवन या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, जो युग्मक, जो युग्मक है, जब निषेचन हो जाने के बाद जो युग्मनज है उससे भ्रूण बनने तक की प्रक्रिया को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये थे चार स्टेज, अब हम सबके बारे में डिटेल में नेक्स्ट स्टेज में पढ़ेंगे।